फ्रेंड स्टील की आज क्लास में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेट कनेक्शंस के बारे में, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी कोई स्टील स्ट्रक्चर है, कोई भी स्टील स्ट्रक्चर हो, तो हमें स्टील के अलग अलग टाइप के हमारे पास मेंबर अवेलेबल होते हैं। उन मेंबर को जोड़ जोड़ कर हम क्या करते हैं, कोई भी स्टील स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तो स्टील स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपके पास क्या करेंगे, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील मेंबर्स हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको कनेक्शन देंगे, उनको आप ज्वाइंट करेंगे। तो हम कैसे ज्वाइंट कर सकते हैं उन स्टील मेंबर्स को आपस में, या उनको हम किस तरीके से ज्वाइंट कर सकते हैं, कैसे हम उनका कनेक्शन बना सकते हैं। तो देखिए, कनेक्शन बनाने का हमारा तरीका यह है कि हम रिवेट से भी कनेक्शन बना सकते हैं, या आप उनमें वेल्डिंग करके आप उन स्टील मेंबर्स को आपस में जोड़ सकते हैं, या फिर आप नट और बोल्ट की मदद से भी आप उनको जोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि हम नट बोल्ट रिवेट या बेल्ट द्वारा स्टील कनेक्शन बना सकते हैं। तो अब हम बात करें इन तीनों में रिवेट कनेक्शंस के बारे में, बात करें कि रिवेट जॉइंट हम कैसे बना पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं साथ साथ जितने भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल यहां से बन सकते हैं वो आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट रिवेट कनेक्शंस। तो देखिए, रिवेट कनेक्शन बनाने के हमारे पास दो टाइप के हमारे रिवेट कनेक्शंस है। सबसे पहला है हमारा लैप जॉइंट और दूसरा है बट जॉइंट। तो लैप जॉइंट का मतलब क्या है कि जब हम दो प्लेटों को, यानी दो हमारे पास जो स्टील की प्लेट अवेलेबल हैं, जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर, यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराकर जब जॉइंट बनाया जाता है, जब कनेक्शन बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैप जॉइंट कहते हैं। तो लैप जॉइंट जब हम बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, कंपटीशन में आपको क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहां पर मैंने सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर कंसीडर कर रखे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब आप इतना समझिए कि लैप जॉइंट हमारा क्या है कि जब दो स्टील की प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर, यानी जब दो स्टील मेंबर्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर या ओवरलैप कराकर उन्हें रिवेट्स द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैप जॉइंट कहते हैं। तो लैप जॉइंट हमारा कितने टाइप का हो सकता है, इस पर भी बात करते हैं। अब देखें, लैप जॉइंट हमारा किस किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहला हमारा है सिंगल रिवेट लैप जॉइंट। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी क्रॉस सेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल, यहां पर आप किसी भी सेक्शन पर आप इसको यहां से काट के देखें, अगर आपके सेक्शन में एक रिवेट आती है, या फिर आप ये कहें, देखिए जो यहां पर बनाया हुआ है ये क्या है, ये हमारा प्लान है, ये हमारा एलिवेशन है। आप देख रहे हैं कि दो रिवेट, दो प्लेट है, एक प्लेट हमारी नीचे यहां पर है, दूसरी प्लेट हमारी इसके ऊपर है, कुछ डिस्टेंस हमने इस पर ओवरलैप कराया है, तो इसे क्या कहा दिया हमने, लैप जॉइंट कह दिया। आप ये कह देंगे कि जब भी कोई दो स्टील प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराकर जोड़ा जाता है, लेकिन कैसे, उसको सिंगल रिवेट लाएं, सिंगल रिवेट से। तो सिंगल रिवेट का मतलब, अब आप क्या सोच रहे होंगे कि सर ये टॉप व्यू में तो हमें दो रिवेट दिखाई दे रहे हैं, इसको हमने डबल रिवेट क्यों नहीं बोला। देखिए, टॉप व्यू से मतलब नहीं है, हम टॉप व्यू में मतलब ये है कि टॉप व्यू में तो कितनी भी रिवेट हो सकती है, ओवरऑल हम रो से पहचानते हैं कि कितनी पंक्ति में लाइन, कितनी पंक्ति में रिवेट्स लगी हुई है। यहां पर मैं 3, 4, 5 कितनी भी कर दूं, उससे डजन मैटर, उससे कोई मैटर नहीं है। बस आप इतना समझें कि आप किसी भी सेक्शन पर, यहां पर आप काट के देखें, किसी भी एक सेक्शन पर अगर आप यहां से काट के देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपको सिर्फ सेक्शन में एक ही रिवेट दिखाई देगी। तो जो एलिवेशन में हम ये कहेंगे, या फिर आप टॉप व्यू की उसमें समझना चाहते हो, ऐसे समझें कि हमारे एक ही रो में अगर रिवेट लगी हुई है तो उसे सिंगल रिवेट लैप जॉइंट कहते हैं। या फिर आप ये कहें कि एलिवेशन, अगर हम उसके एलिवेशन में जब हम उसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो वहां पर हमें सिर्फ एक रिवेट दिखाई दे उसके सेक्शन में, तो हम उसे कहते हैं सिंगल रिवेट लैप जॉइंट। अब दूसरा आता है, इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि यहां पर हम डबल रिवेट लैप जॉइंट कब कहेंगे। डबल रिवेट लैप जॉइंट के लिए, यानी जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस प्रकार जॉइंट कर दिया जाए कि उसके सेक्शन में दो रिवेट दिखाई दे, या आप उसके प्लान में देखें। यहां पर मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पर हमारी कितनी भी दो रो होंगी, यहां पर कितनी, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, यहां पर हमारी कितनी रिवेट्स हो, इस रो में हम और भी ज्यादा रिवेट्स लगा दें, उससे कोई मैटर नहीं है। भाई इतना समझे कि डबल रिवेट लैप जॉइंट कब कहेंगे, जब उसके क्रॉस सेक्शन में, सेक्शन में हमें दो रिवेट दिखाई दें, तो उसे हम कहते हैं डबल रिवेट लैप जॉइंट। या आप ये कहें कि प्लान में हमारी दो रो में, दो पंक्तियों में, यहां पर दो पंक्ति है रिवेट की, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये है, तो इसको कहेंगे हम डबल रिवेट लैप जॉइंट। इसी तरह से हमारा ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने यहां पर डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि बोर्ड पर जगह काफी कम थी। तो अब देखिए, यहां पर ट्रिपल रिवेट में क्या हो जाएगा, यहां पर हमारी तीन रिवेट दिखाई देने लग जाएंगी। चलिए, तो इसको आप बना के देख लीजिएगा। अब आगे है हमारा बट जॉइंट किसे कहते हैं। तो लैप जॉइंट आपके समझ में आ गया, अभी इनकी डिटेल में हम प्रॉपर्टी समझेंगे आगे, और लेकिन अब समझते हैं पहले बट जॉइंट क्या है। देखिए,
अब हमने कुछ खामियां मिली, कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली कि बट जॉइंट्स में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो तो जब हम तभी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन सब पॉइंट्स को जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, स्पेशल लैप जॉइंट्स में पढ़ाएंगे, तो हम बताएंगे इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे इनके फेलियर्स होते हैं, उन सब पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अभी बात करते हैं कि बट जॉइंट क्या है। बट जॉइंट में ये कि इनमें क्या कर रहे थे, दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख रहे थे लैप जॉइंट में, लेकिन अब क्या करेंगे हम, दो प्लेटों को एक दूसरे के जस्ट सामने यानी कि टक्कर पे रख देंगे। तो जब दो प्लेटों को एक दूसरे के सामने ही रख के जॉइंट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बट जॉइंट कहते हैं। लेकिन अब आप ऐसे रख के रिवेट कैसे लगाएंगे भाई, यहां पर तो रिवेट नहीं लग सकते, बेल्ट तो हो सकता था ये, बट इसमें रिवेट नहीं लग पाएंगे। रिवेट लगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें कवर प्लेटों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपके डायग्राम में दिख रहा है। तो देखें बट जॉइंट कौन सा है, पहले इतना समझे सिर्फ, जब दो प्लेटों को एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन में, एक ही प्लेन में जब दो प्लेटों को आमने सामने रखकर टक्कर पे रखकर उन्हें जॉइंट कर दिया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें हम बट जॉइंट कहते हैं। अब बट जॉइंट हमारे कितने प्रकार का हो सकता है, अब बट जॉइंट बनाने के लिए हम सामने रख रखे हैं इस तरह से, दो प्लेटों को हमने ऐसे रखा और इसके ऊपर हमने सिंगल एक प्लेट लगा दी, तो उसे कहेंगे हम सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। क्या कहेंगे उसे हम, सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बट जॉइंट ऐसा जोड़ है कि जिसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के सामने रखकर जॉइंट किया जाता है, और साथ के साथ अगर उस पर एक कवर प्लेट यूज हो तो उसे कहेंगे सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट, और उसके ऊपर एंड बॉटम दोनों में यानी टॉप एंड बॉटम दोनों में अगर हम कवर प्लेट यूज करें तो उसे कहेंगे हम डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। यानी कि सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट एंड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट में बेसिकली क्या अंतर है, इसमें हम दो कवर प्लेट यूज करते हैं, इसमें सिंगल कवर प्लेट यूज करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर आप ब्लैक प्लेट देख रहे हैं, प्लेट नंबर वन और प्लेट नंबर टू, हमारी ये दो बैन प्लेट हैं, ये हमारे स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर हैं। इन दोनों प्लेटों को हमें जोड़ना था, लेकिन कंडीशन यही थी कि जब दो प्लेटों को एक ही प्लेन में एक साथ इस तरह आपस में टक्कर पे रखकर जोड़ दें, तो इन दोनों प्लेट नंबर वन प्लेट नंबर टू को जोड़ने के लिए हमने किसकी मदद ली, हमने मदद ली इसकी कवर प्लेट की। तो कवर प्लेट यहां पर लगी हुई है यहां पर, तो ये जो कवर प्लेट है हमारी कैसे सिंगल कवर प्लेट है। तो अब आप ये कहेंगे कि जब दो प्लेटों को एक दूसरे के सामने टक्कर पर रखकर जॉइंट कर दिया जाए और उसमें कैसी कितनी कवर प्लेट लगी हो, सिर्फ एक कवर प्लेट लगी हो, जरूरी नहीं है ऊपर हो नीचे हो कहीं पर भी हो, लेकिन हमारी सिर्फ एक कवर प्लेट है तो उसे हम कहेंगे सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। अब आते हैं इसमें रिवेट भी है कि सिंगल कवर प्लेट सिंगल रिवेट बट जॉइंट कब कहेंगे, वही कहानी जब आपके क्रॉस सेक्शन में एक एक रिवेट दिखाई दे। अब ध्यान दीजिए हम देखते हैं कि मेन प्लेट पर, अब आप ऐसे मत देखिए यहां पर डबल है तो आप कहने लगे कि सिंगल कवर प्लेट डबल रिवेट बट जॉइंट, ये डबल नहीं है। क्यों नहीं है, हम ये देखते हैं एक मेन प्लेट पर कितनी, क्योंकि इसमें दो मेन प्लेट हैं, एक मेन प्लेट पर कितनी आ रही है एक रिवेट, इस मेन प्लेट पर कितनी आ रही है एक रिवेट। यानी कि अगर आप इसके टॉप व्यू में देखें तो सिंगल कवर प्लेट के साथ साथ इस एरिया में यानी जो हमारी मेन प्लेट ये वाली इधर है तो वो वाली मेन प्लेट हमारी कितनी है, यहां पर हमें एक लाइन में रिवेट दिखाई दे रही है और एक रो में हमें यहां रिवेट दिखाई दे रही है। तो जब क्रॉस सेक्शन में यानी जो हमने जो सेक्शन बनाया है जब उस सेक्शन में हमें एक एक रिवेट दिखाई देती है दोनों मेन प्लेट के लिए तो उसे हम कहते हैं सिंगल कवर प्लेट सिंगल रिवेट बट जॉइंट। हमें अगर दो दो दिखाई दे तो उसे कहेंगे सिंगल कवर प्लेट एंड डबल रिवेट बट जॉइंट। अब आप देख रहे हैं इस मेन प्लेट के लिए दो रिवेट हैं, इस मेन प्लेट की दो रिवेट हैं। थोड़ा सा इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करता हूं कि डायग्राम मैंने बनाया किस तरीके से। डायग्राम बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि रेड कलर में हमारी क्या है कवर प्लेट है, तो आपको ऊपर से जब हम देखेंगे ये क्या है हमारा टॉप व्यू है, तो जो ये टॉप व्यू है इस टॉप व्यू हर डायग्राम बिल्कुल एक ही पैटर्न पर है, एक समझ लीजिए बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो जाहिर सी बात हमें ऊपर से क्या दिखाई देगा, हमें एक ही रेड वाली प्लेट, और रेड वाली प्लेट कौन सी है हमारी कवर प्लेट है, हमें कवर प्लेट दिखाई देगी जो कि हमें लाइन द्वारा नजर आ रही है। जब हमें कवर प्लेट ऊपर है तो उसके नीचे हमें ये बीच में हमारी जो जो हमारी मेन प्लेट है इस मेन प्लेट की हमें जॉइंट आपस में दिखाई नहीं देंगे तो हमने इसको डॉटेड कर दिया लाइन को। अब उसके बाद आता है कि इस लाइन पे हमारी रिवेट लगी हुई तो ये हमारी रिवेट हमने लगा दी इस रो में, और इस रो में ये हमारी रिवेट लाइन होगी जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रिवेट लाइन क्या होती है, गेज लाइन क्या होती है, इन सब लेक्चर पर हम इस सब टॉपिक पर पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, इस तरह से एक बार इस डायग्राम को समझ लीजिए, ये वाली हमारी जो मेन प्लेट ऊपर की है वो एक ही वाली प्लेट हो गई, एक ही प्लेट हो गई, दूसरी हमारी प्लेट ये वाली हो गई। तो इस तरीके से अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारा सिंगल कवर प्लेट सिंगल रिवेट बट जॉइंट कैसे कहेंगे। इसी तरीके से सिंगल कवर प्लेट यानी अब आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारी कितनी कवर प्लेट है, एक कवर प्लेट है केवल, तो इसको हो गया सिंगल कवर प्लेट, दोनों प्लेटें एक ही प्लेन में आमने सामने जुड़ी हुई हैं तो उसे कहेंगे हम सिंगल कवर प्लेट
सिंगल कवर प्लेट और हमारा बट जॉइंट, लेकिन कितने रिवेट के साथ? हमारा डबल रिवेट के साथ है, क्योंकि इस मेन प्लेट के लिए दो रिवेट आ रहे हैं, इस मेन प्लेट के लिए दो रिवेट आ रहे हैं। प्लान में यहां दो रिवेट लगे हुए हैं, दो रो में रिवेट लगे हुए, यहां पर भी दो रो में रिवेट लगे हुए हैं। तो ये हमारा था सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। इसी तरह से डिवाइडेशन जो क्लासिफिकेशन होता है बट जॉइंट का, वो हो सकता है हमारा डबल कवर प्लेट के केस में। तो डबल कवर प्लेट केस में अब आप इस डायग्राम को समझो, डबल कवर प्लेट सिंगल रिवेट बट जॉइंट कब कहेंगे, यानी कि जब दो मेन प्लेटों को एक दूसरे के सामने रखकर जोड़ दिया जाए और उसके ऊपर भी एक प्लेट लगाई जाए और नीचे भी एक प्लेट लगाई जाए, यानी कि उसके टॉप पर भी, टॉप लेयर पर भी प्लेट है और बॉटम में भी प्लेट है, तो उसे हम कहते हैं डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। बट जॉइंट तो इसलिए है क्योंकि आपने सामने जोड़ रही हुई है, डबल कवर प्लेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो कवर प्लेट लगी हुई है। तो यानी जब दो प्लेटों को आमने सामने यानी टक्कर पर रखकर इस तरीके से जोड़ दिया जाए कि उसके एक ऊपर प्लेट एक नीचे प्लेट होती है, तो उसे हम कहते हैं डबल कवर प्लेट सिंगल रिवेट बट जॉइंट। अब सिंगल रिवेट क्यों कहा मैंने, क्योंकि इस मेन प्लेट के लिए एक रिवेट आ रहा है, एक रो में यहां पर रिवेट लगी हुई है, इस मेन प्लेट के लिए एक सेक्शन में एक रिवेट आ रहा है, तो यहां पर हमने सिंगल रिवेट बोला। डबल डबल कब बोलेंगे, जब इस मेन प्लेट के लिए दो रिवेट आएंगे और इस मेन प्लेट के लिए दो रिवेट आएंगे। तो ये हमारा टोटल है डबल कवर प्लेट, दो प्लेट लगी हुई है, डबल रिवेटेड, इस मेन प्लेट के लिए दो रिवेट है इस मेन प्लेट, और बट जॉइंट मतलब होता है कि इन दोनों को सामने सामने टक्कर पे रखकर जोड़ना। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये हमारे जो क्लासिफिकेशन है रिवेट्स का, वो हम किस तरीके से करते हैं। अब इसी तरह से आता है हमारा डबल कवर प्लेट ट्रिपल रिवेट बट जॉइंट। अब डबल कवर प्लेट ट्रिपल रिवेट का मतलब क्या है, हमारी डबल कवर प्लेट होंगी और यहां पर हमारे तीन रिवेट आएंगे और यहां पर भी हमारे तीन रिवेट आ जाएंगी, तो वो डायग्राम आपको खुद बनाना है। एक डायग्राम ये बना लेना और एक डायग्राम ये वाला बना लेना और एक डायग्राम हमारा ये वाला बना लेना। तो अब देखिए, अब दिमाग में ये बात आती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या तीन तक ही हमने लिखा है, यहां पर भी ट्रिपल रिवेट, यहां पर भी ट्रिपल रिवेट मैक्सिमम, और लेफ्ट केस में भी ट्रिपल रिवेट, तो क्या मैक्सिमम हमारा ट्रिपल रिवेट ही हो सकता है? अगर ट्रिपल रिवेट से ज्यादा रिवेट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है कि पांच रिवेट आए, छह रिवेट आए क्रॉस सेक्शन में, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि फाइव टाइम्स हमारी जैसे ट्रिपल, और इसी तरह से हम ऐसे वर्ड नहीं लगा, फिर हम कहते हैं तीन से ज्यादा कितने भी रिवेट आओं से हम कहते हैं मल्टी रिवेटेड लैप जॉइंट या मल्टी रिवेटेड बट जॉइंट। तो मल्टी लगा देते हैं उसके अंदर जो हमारे तीन से ज्यादा रिवेट होते हैं, तो तीन से ज्यादा रिवेट जब भी आएंगे तो हम कहेंगे सिंगल कवर प्लेट मल्टी रिवेटेड बट जॉइंट। इसी तरह से डबल कवर प्लेट मल्टी रिवेटेड बट जॉइंट, यहां पर हो जाएगा हमारा मल्टी रिवेटेड लैप जॉइंट। तो ये तीन रिवेट से ज्यादा होते हैं तो उसको मल्टी में, मल्टी के साथ बोलते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं कि इन दोनों जॉइंट्स की डिटेल में बात करते हैं और बात करते हैं कि यहां पर हमें कंपटीशन से कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, कई पॉइंट्स हम यहां पर बता चुके हैं, फिर देखें। When two plates are connected by overlap, आपको समझ में आ गया होगा कि लैप जॉइंट वो जॉइंट है जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ओवरलैप करके जोड़ा जाता है, यानी कि दो स्टील प्लेटों को जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जोड़ते हैं तो उसे हम लैप जॉइंट कहते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या है, When connected ends of plates lie in the parallel planes, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखें, ये इस बात का मतलब ये है कि जब हम कनेक्टेड, जब हम जो प्लेट्स कनेक्ट कर रहे हैं तो उनके जो एंड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल प्लेन्स में हो, यानी कि एक प्लेन हमारा ये वाला है और दूसरा प्लेन हमारा नीचे वाला है, यानी दो प्लेन हो गए। लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि दो पैरेलल प्लेन है, जैसे दो मार्कर में आप समझो ये प्लेट है, तो आप इस तरीके से देखें तो एक प्लेन हमारा ऊपर वाला हो गया, एक प्लेन हमारा नीचे वाला हो गया। तो जब हम दो प्लेटों को कनेक्ट करते हैं, व्हेन एंड कनेक्टेड एंड्स ऑफ प्लेट, यानी जब दो प्लेटों के एंड्स हमारे कनेक्ट कर रहे हैं हम कैसे पैरेलल प्लेन्स में, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल प्लेन्स, यानी उसे हम कहते हैं लैप जॉइंट। यानी लैप जॉइंट के अंतर्गत जो हम कनेक्शन बना रहे हैं उसमें हमारी क्या है, दो प्लेटें कनेक्ट की गई हैं, लेकिन वो एक ही प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, और वो प्लेन कैसे पैरेलल है, यानी कि दो प्लेन तो हैं पर वो एक ही प्लेन, एक ही लाइन में नहीं है, वो कैसे अलग अलग प्लेन्स में और जो कि आपस में पैरेलल है। अगला है हमारा नो नीड ऑफ कवर प्लेट। जाहिर सी बात है, जब हम लैप जॉइंट बनाएंगे तो हमें कवर प्लेट की क्यों जरूरत पड़ेगी, तो इस केस में हमें कवर प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे आ रहा है कि एक्सिस ऑफ प्लेट्स नॉट लाई इन अ लाइन, यानी कि जो हमारी प्लेट के एक्सिस हैं, अब जाहिर सी बात है कि इस प्लेट की एक्सिस हमारी कहां पर होगी, देखें इस प्लेट की हमारी एक्सिस अगर हम देखना चाहें तो वो हमारी एक्सिस यहां पर होगी, जहां हम फोर्स अप्लाई कर देंगे, ये हमारी प्लेट की एक्सिस हो गई। इस प्लेट की एक्सिस हमारी कहां होगी, इसके सेंटर में होगी। तो ओवरऑल अब आप देखें दोनों प्लेटों की एक्सिस में हमारा कुछ डिस्टेंस बन रहा है, तो क्या ये एक लाइन में लाई हो रही है, नहीं, ये अलग अलग लाइन में है लेकिन पैरेलल टू ईच अदर है। यानी हमने ये समझ में आया कि एक्सिस ऑफ प्लेट नॉट लाई इन अ लाइन, यानी इन दोनों प्लेटों की एक्सिस जो है, अक्ष जो है, वो एक लाइन में लाई नहीं कर रही है, वो अलग अलग लाई कर रही है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हैं और आपस में पैरेलल भी हैं और एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। तो यानी एक्सिस ऑफ प्लेट,
अपोजिट डायरेक्शन वाला, सॉरी देखें यहाँ पर एक्सेस ऑफ प्लेट नॉट लाइन लाइन, एक लाइन में हमारी लाइन नहीं कर रही है दोनों एक्सेस। अब आगे चलते हैं, रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू सिंगल सीयर। अब इसका मतलब क्या है, देखें जब हम इन प्लेट्स पर फोर्स लगाएंगे, जाहिर सी बात है कनेक्शन बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फोर्स तो आ ही रहा होगा। अब आप सपोज कीजिए कि किसी एक प्लेट पर आप टेंशन फोर्स लगा दीजिए, यानी हमने क्या किया, इधर एक फोर्स लगा दिया और इधर एक फोर्स लगा दिया, दोनों प्लेटों को हम खींचने वाला बल लगा रहे हैं। यानी हमने क्या किया, एक ये वाली प्लेट है, दूसरी बात इस तरीके से हम खींचने वाला बल लगाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर रिवेट हमारा कहाँ, यहाँ से एक जगह से रिवेट हमारा कटने की कंडीशन में होगा। यानी हम ये कहेंगे कि हमारा जब प्लेट कट जाएगा तो हमारी प्लेट कैसी हो जाएगी, हमारी प्लेट ये आधा रिवेट लेने के साथ ऐसे चली जाएगी, यानी ये आधा रिवेट यहाँ हो जाएगा और दूसरी प्लेट में हमारा एक आधा रिवेट, यहाँ पर आधा रिवेट हमारा इसमें आ जाएगा। ओवरऑल आप देखें कि हमारी कितनी, ये जब इधर वाली प्लेट पर फोर्स लगा तो ये से कट गई, जब इधर वाली प्लेट पर फोर्स लगा तो ये इधर चली गई, तो ओवरऑल हमारा रिवेट कहाँ से कटा, इस पॉइंट, इस प्लेन से कटा, तो ये एक सिंगल ही जगह से तो कटा है, यानी एक जगह से हमारा प्लेन कटा हुआ है। तो यानी इसमें ये कहते हैं कि रिवेट जॉइंट जब हम बनाते हैं तो उस केस में जो हमारा रिवेट कटता है वो एक ही जगह से कटता है, यानी सिंगल प्लेन, इसे कहते हैं सिंगल प्लेन शेयरिंग। तो यानी रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू सिंगल शेयर, यानी अब आपकी समझ में आ गया होगा, रिवेट हमारा एक ही जगह से शेयर होगा, शेयर में फेल होगा, एक ही जगह से हमारा रिवेट कटेगा और फेल के बाद वाली कंडीशन हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी। आगे रिवेट सैंक लेंथ ए रिक्वायर्ड लेस। अब रिवेट सैंक लेंथ क्या है, देखें पिछले लेक्चर में तो शायद बताया था कि इसमें हमारा ये रिवेट है और इसको हम कहते हैं सैंक, इसे क्या कहते हैं हम सैंक, और ये हमारा क्या है हेड है। जब रिवेट का डाया, जब रिवेट का जो सैंक का डाया होता है उसी के डाया के नाम से हमारे रिवेट भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि सैंक की जो लेंथ है वो लेंथ डिपेंड करती है प्लेट की थिकनेस पर। तो अब इसमें कोई एक्स्ट्रा, इसकी तरह कवर प्लेट एक्स्ट्रा नहीं लगाई जा रही यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर रिवेट की जो सैंक की लंबाई है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है हमारी, ये हमारी क्या है सैंक लेंथ है। तो सैंक लेंथ हमें कहीं ना कहीं कम की जरूरत पड़ेगी, जबकि इस केस में ज़्यादा पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पर हमारी सैंक की लंबाई ज़्यादा होगी, यहाँ पर क्योंकि डबल कवर प्लेट भी लगी हुई है, मेन प्लेट भी है और उससे सबको कवर करना है रिवेट को, तो उस केस में हमारी सैंक की लंबाई इस केस में हमें कम जरूरत पड़ेगी। तो यही चीज है कि इन द लैप जॉइंट, इन द लैप केस वी रिक्वायर्ड टू लेस सैंक लेंथ, यानी हमें रिवेट सैंक लेंथ रिक्वायर्ड लेस, यानी लैप के केस में हमें जो रिवेट की सैंक की लंबाई हो हमें कम आवश्यकता होगी, कम लंबाई की जरूरत पड़ेगी। आगे ड्यू टू इसेंट्रिसिटी बेंडिंग मूवमेंट अकर्स, यानी कि अगर हम देखें कि इसेंट्रिसिटी की वजह से, अब आप इसेंट्रिसिटी वाला टर्म समझें, देखिए जब एक फोर्स यहां पर, देखें जरा एक रिवेट यहां पर है, एक प्लेट यहां पर है, दूसरी प्लेट हमारी यहां लगी हुई है। अब इस प्लेट को आप ऐसे खींच रहे हैं, इस प्लेट को आप ऐसे खींच रहे हैं, तो यहां पर इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहां पर लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो अब देखिए जब दो फोर्स हमारे एक इधर और कुछ डिस्टेंस पर एक इधर दो फोर्स लगेंगे तो हमारा कैसा कुछ मूवमेंट जनरेट होगा या नहीं होगा, कुछ मूवमेंट हमारा जनरेट हो जाएगा। तो यही, अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इन दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में ये है। सभी स्टूडेंट्स से यही, जितने भी ये लैप जॉइंट है इसको हम डिटेल, अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इस इंट्रोडक्शन के बाद जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा इसके पूरे डेरिवेशंस कराऊंगा इसके फेलियर के, तब आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे, फिलहाल मैं अभी जनरल इंट्रोडक्शन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो डिस्टेंस, अब फोर्स यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो इसी इसेंट्रिसिटी की वजह से अगर ये फोर्स हमारे ऐसे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, तो ये इस तरह से हमारा मूवमेंट जनरेट हो सकता है, लेकिन अगर ये फोर्स हमारे ऐसे लग रहे होते एक ही लाइन में तो ये सेंट्रिसिटी नहीं होती, और सेंट्रिसिटी नहीं होती तो मूवमेंट भी जनरेट नहीं होता। यानी आप ये कह सकते हैं कि लैप जॉइंट केस में ज़्यादा सेंट्रिसिटी होने पर हमारा मूवमेंट जनरेट